तो किसान सोचता हमारा ठटिया तिरवा एडवांस है, हम अपना बेच ले निकल जाए, जब सब जगह चलेगा तो हो सकता बाजार थोड़ी बहुत दबे। मंडियों में डिमांड कम हो गई है, डिमांड कम मतलब भाव गिर गया है। नहीं ऊपर तो नहीं होगा, नीचे होगा भाव, एकदम थोड़े भाव गिर जाएगा, नहीं गिरेगा भाई। उधर ये गए जो अपना कोल्ड वाला, ये भी तो खत्म हो रहा है, नया ज्यादा आ रहा, कुछ लोग नया पसंद कर रहे हैं, कुछ पुराना पसंद कर रहे हैं, डिमांड दोनों की बराबर बराबर है। नमस्कार, मैं हूँ आशीष राजपूत और आप देख रहे हैं अपना टॉप भारत। किसान भाइयों इस समय मौजूद है ठटिया मंडी में और हमारे साथ में आप लोग देख पा रहे होंगे तस्वीरों के माध्यम से अनुभवी व्यापारी और आड़ती प्रदीप ठाकुर जी भी मौजूद है और सामने आप लोग देख पा रहे हो मास्टर साहब भी मौजूद है, एक दो आड़ती लोग भी है और व्यापारी लोग भी है। इन लोगों से आज हम बात करेंगे और किसान भाई भी है, ऐसा नहीं है किसान नहीं है, किसान भी है, इनसे भी बात करेंगे। हर व्यापारी हर आड़ती एक किसान भी होता है पहले, उसके बाद व्यापारी आड़ती बनता है, ये एक जाहिर सी बात है। उसके बाद में आज हम बात करने वाले हैं किसान भाइयों की आलू का भविष्य क्या होने वाला है, जैसा कि आए दिन बराबर लगातार जो है कहीं ना कहीं आलू के भाव में कुछ ना कुछ गिरावट हो रही है। आज दिन शनिवार है और शनिवार के दिन आज क्या आलू की मंडी में आमद है और आमद के हिसाब से किस रेट का आलू बिकने वाला है। आने वाला जो महीना दिसंबर आने वाला है, भरपूर मात्रा में मंडी में आलू आएगा, सभी बातों पे आज इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। क्या आने वाले महीने में आलू का भाव गिरता नजर आ रहा है, पुराना आलू कितना बचा हुआ है, क्या उसके मद्देनजर ये आलू कुछ इसमें हाई स्पीड पकड़ सकती है, क्या रेड में कुछ स्पीड आ सकती है, सभी बातों पे इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रदीप ठाकुर जी से, बहुत ही अनुभव है इनको और अनुभवी के तौर पे आज इनसे पहले शुरुआत करते हैं। दादा हमारे चैनल पे आपका स्वागत है भैया, अपना टॉप भारत पे वंदन अभिनंदन सभी दर्शकों का, आप लोगों को शुभाशीष बेटा। और जो आपने कहा है कि क्या होगा या नहीं होगा, देखिए आलू में इतना गिरावट नहीं, पूरी यूपी में का इंडिया में इस समय जो मतलब हमारी ठटिया मंडी में आलू बिक रहा है, किसी मंडी में इस रेट का आलू नहीं बिक रहा, चाहे फरकाबाद हो, छुटपुट आरा, चाहे छिबरा मऊ हो, एनीबडी पंजाब हो, जो रेट आज इस मंडी के हैं पूरे हिंदुस्तान में किसी मंडी में ये रेट नहीं है, रेट नहीं। हाँ, दूसरी बात आमदनी भी हमारी मंडी की टक्कर कहीं नहीं, कल 25 से हमारे ख्याल में 25 से 28,000-27,000 कट्टे की आमदनी थी और कल जाएगी 30 के पार प्लस जाएगी, हम आज ही आपको बता रहे हैं। अच्छा दादा, आज शनिवार है तो क्या लगता है, कई किसान भाइयों का अलग अलग प्रकार का सोचना होता है कि शनिवार के दिन ठटिया मंडी में डाउट है कहीं ना कहीं, उस डाउट को आज क्लियर भी करेंगे कि किसान सोच रहा है शनिवार को मंडी बंद रहती है, शनिवार को बिक्री डाउन होती है, कई प्रकार की अलग अलग कमेंट आती है वीडियो में, तो शनिवार के दिन एक्चुअल में यहाँ पे क्या पोजिशन रहती है? देखो शनिवार को डाउन नहीं रहता, शनिवार को हम एक लोग एक रोज रेस्ट चाहते है, किसी दिन बंद हो, जिसे यहाँ शनिवार को बंदी होती थी। अब हम देख रहे हैं आज दो गाड़ी चार गाड़ी आलू आ चुका, अभी भी पूरी मंडी में जगह जगह उतर रहा, हमारे यहाँ भी थोड़ा उतरा है, तो एक दिन छुट्टी कायदम होना चाहिए। किसान नहीं मानता और बंदी की वजह से क्या होता, कभी का जिसको जरूरत है 10-20 रुपया टाइट ले लेता हूँ इस लालच में किसान और खोद के। तो हम क्या बोल सकते हैं ठाकुर साहब, आज कुछ मंडी में कुछ टाइट होना हो सकता है, मतलब कि अनुमान तो लग रहा है? अगर बिल्कुल बनाएंगे, आमदनी कम है, पैकार ज्यादा आ गया तो बिल्कुल टाइट हो जाए, तो क्रम है मार्केट का। अच्छा, पुराना आलू भी इज्जत से निकल गया, बचा है वो निकला जा रहा है, उसमें कोई दिक्कत वाली पुराना आलू, हाँ उस पर देखो चर्चा करनी थी। कटियार साहब भी आ चुके हैं हमारे साथ में, इस समय जुड़ चुके हैं तो कटियार साहब से भी बात करेंगे कहीं ना कहीं। अच्छा दादा, हम जानना चाहेंगे कि आने वाले समय में जैसे कि अगले महीने में आलू और इससे ज्यादा भरपूर मात्रा में आएगा मंडियों में, तो किसानों की एक डाउट है कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में कुछ आलू के भाव में गिरावट होगा, पुराना वाला आलू कितना बचा, जैसा कि अभी आपने बताया कि पूरा निकल गया है, थोड़ा बहुत बचा है, तो उस पे थोड़ा और सर अपडेट दीजिए। देखो पुराना ज्यादा नहीं बचा, जो है संभलना जा रहा है और मद्दा नहीं होगा। और रही बात जो ज्यादा आप बता रहे हो, किसान खाली थोड़ा मोटा करके खोदे, वो जब ज्यादा आएगा तब भी उतने ज्यादा बिकेगा, क्योंकि अभी तो सफेद चल रहा, लाल नहीं चल रहा। दूसरी बात, आज पांचवा दिन जुम्मा हुआ मंडी में आलू शुरुआत हुए, 51 कट्टा से शुरुआत होकर दूसरे दिन 400, तीसरे दिन 2000, 2500 और चौथे दिन पहुंच गया 15000, पांचवे दिन पहुंच गया 25000 रुपए, आंकड़े बराबर बढ़ते। हाँ, तो आमदनी न कम होगी और न बिक्री डाउन, जितनी आमदनी बढ़ी उतना यहाँ पैकार बढ़ा। अभी खबर गई चारों तरफ, अब नया आलू जा रहा तो हर आदमी चाह रहा, जिस मंडी में नया जा रहा पुराना फिर रुके, ब्रेक लगेगा नहीं मंगाएगा आदमी। अच्छा दादा, हम ये भी जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से किसानों के एक तरीके से किसान जो सोचता है उसकी सोच बता रहे हैं कि आलू आज दिन के लिए आज का जो रेट है आज अच्छा रेट है, 600-700 रुपए रेट जैसे मिल रहा है, ठीक है किसानों को, किसान सोच रहा है कि आने वाले एक जो अफवाह होती है ग्राउंड में, हम ग्राउंड में रहते हैं उस हिसाब से बता रहे हैं,
तो अफवाह के अनुसार ये लग रहा है कि किसान भाई जल्दी से जल्दी आलू पूरा खोदे जा रहा है, तो हमें लग रहा है कि पीछे जो समय आने वाला है आलू की जो मात्रा वो कम हो जाएगी क्षेत्र में, तो क्या लगता है आलू शॉर्टेज तो नहीं कहीं नजर आ रहा है, मतलब हो जाएगा? नहीं नहीं ऐसा है, 5 तारीख के बाद लगभग सारे क्षेत्रों में कुछ ना कुछ निकलेगा, तो किसान सोचता हमारा ठटिया तिरवा एडवांस है, हम अपना बेच ले निकल जाए, जब सब जगह चलेगा तो हो सकता है बाजार थोड़ी बहुत दबे, वो उसकी भी सोच अपनी बढ़िया हो, तजर्बा है उन लोगों, हर साल वो लोग करते हैं, वो बहुत मतलब जैसे चिड़िया है, उन्हें कोई समझाता है, पक्षी कोई समझाता है, लेकिन उन्हें मालूम है, वो अपने हिसाब से अपना सब काम करते हैं भैया। अच्छा दादा, तो आने वाले समय आलू का उज्ज्वल दिख रहा है या फिर कुछ लग रहा है अंधेरे में? नहीं नहीं ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो कहीं ना कहीं ठाकुर साहब के तरफ से अगर देखा जाए तो आने वाला समय जो आलू का है वो उज्जवल रहने वाला है। किसान भाई भी हैं, इनसे बात करते हैं कि ग्राउंड पे क्या अपडेट चल रही है। भैया क्या नाम है आपका? शैलेंद्र कटियार। कहाँ से हैं? भुन्ना से। अच्छा भुन्ना से हैं। अपने यहाँ अगेती वाला आलू कुछ होता है? कच्ची वाला होता है। कितना परसेंट कूद गया है? अभी स्टार्टिंग नहीं मारे। अच्छा अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, तो उस साइड में स्टार्ट नहीं हुआ है। अच्छा कब तक आने की संभावना है? 2-4 दिन स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा अभी नहीं खुदी अपने क्षेत्र में। अच्छा क्या लग रहा है कि जब तक 4-5 दिन में आएगा तो कितना परसेंट भाई अगेती वाला किए हैं उधर? 4-5 लगभग मानो 30% कच्ची होता, बाकी तो सब पक्की होता। पक्की होता है तो मतलब कम क्षेत्र है। तो किसान भाई जो हमारे थे ये भुन्ना साइड से हैं, जो कि ठटिया से निकट ही पड़ता है, व्यापारी भी जी भी हैं, ये भी रोज 1-2 गाड़ियां बनाते हैं। देखिए आज क्या अपडेट चल रही है, बताइए क्या नाम है व्यापारी का? विजय कटियार बेटा। अच्छा विजय कटियार जी, हम जानना चाहेंगे आप रोज हर रोज एक गाड़ी कहीं ना कहीं बनाते हैं, बाहर की मंडियों में डिमांड कैसी है? मंडियों में डिमांड कम हो गई है। डिमांड कम, मतलब भाव गिर गया है ना। अच्छा तो बाहर की मंडियों में डिमांड जो कम हुई है, तो उससे अपने यहाँ जो ठटिया मंडी है उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? मंदी रहे। भाव दिन पर दिन डाउन ही हुई है। डाउन होता जा रहा है। तो अच्छा क्षेत्र की अपडेट क्या चल रही है? हमारे क्षेत्र में नहीं, अभी खुदाई नहीं, खुदाई है अपने यहाँ पक्का वाला आलू जाना पक्का है, 1% नहीं, हमारे यहाँ कच्चा होता ही नहीं। अच्छा मास्टर साहब हमारे साथ में आरती साहब महोदय ये मौजूद हैं, ये भी रोज कहीं ना कहीं 1-2 गाड़ियाँ आती हैं इनके यहाँ, बराबर बिक्री होती है, कल भी हुई थी, कल देखते हैं क्या टॉप भाव बिका था और आज कितना माल आया हुआ है और कितना बिकने वाला है, बताइए मास्टर साहब। कल आप कितनी गाड़ी, कितना पैकेट आ गया था अपने यहाँ? कल मेरे पास था 550। अच्छा हर रोज से कुछ ज्यादा था? हाँ कल कुछ ज्यादा था, अभी हमें 2-3-4 दिन तो हुए हैं। अच्छा आज शनिवार है, जो जैसा कि आप लोग बता रहे हैं छुट्टी वाला दिन कहीं ना कहीं आप लोग मानते हैं इसको, तो आज कुछ आलू आया नहीं आया? नहीं अभी तो नहीं आया, लेकिन आएगा थोड़ा, मना तो किया था कि आज भाई शनिवार है एक दिन छुट्टी रेस्ट ले लेने दो, लेकिन किसान नहीं मान रहा तो बेचना पड़ेगा। अच्छा मार्केट साहब आपका जो गाँव पड़ता है, आपका क्षेत्र पड़ता है, वो कहीं ना कहीं कच्ची वाला पूरा प्योर है मेरे ख्याल से, तो अच्छा वहाँ क्षेत्र में देखें तो कितने परसेंट खुदाई कर दी है किसान? अबे कोई ना के बराबर हुई, अब शुरुआत हुई है, अभी कोई ज्यादा नहीं हुई है, तो आने वाले समय कहना कहें भरपूर मात्रा में आलू? बिल्कुल बिल्कुल भरपूर आएगा और बढ़ेगी, रोज रोज आमदनी बढ़ेगी ऐसा कुछ। अच्छा जो किसान जल्दी जल्दी उछकाए दे रहे हैं उसको क्या देना है, आपकी जानकारी क्या देंगे उनको? तो हम ये सोच रहे हैं आलू अपना 2 महीने तो कम से कम कर लो, आलू बढ़ने दो, इतना एकदम थोड़े भाव गिर जाएगा, नहीं गिरेगा भाई, उधर ये गए जो अपना कोल्ड वाला ये भी तो खत्म हो रहा है भाई, इसमें आलू फिर नहीं जाएगा, इतनी जल्दी कुछ नहीं होने वाला। आने वाला समय बताएं आलू का? आलू का कोई इतना तो है नहीं, अब आगे भविष्य तो नहीं देखा है, लेकिन वैसे आलू ज्यादा कुछ दिन खराब नहीं होगी। तो मास्टर साहब की तरफ से भी कहीं ना कहीं आने वाला समय उज्ज्वल है, व्यापारी मुद्दे भी हैं और उसके आगे फिर कटियार साहब भी हैं, सभी लोगों से बात करेंगे, ये भी कहीं ना कहीं रोज गाड़ी बनाते हैं। कल बनाए थे कुछ? बनाए थे। कितनी बनाए थे? कल बनाए थे 331 बोरी। अच्छा टॉप भाव क्या लिए थे? टॉप भाव लिए थे 731 रुपए का। 731 रुपए जी, बढ़िया आलू था। हाँ ठीक था, बिका तो है 781 तक। 781 तक टॉप बिका। जी जी जी। अच्छा नीचे वाला क्या रहा? नीचे वाला 601 रुपए लास्ट। 601 रुपए लास्ट जी। तो अभी कह सकते हैं कि 600 के नीचे भी नहीं आया? नहीं 600 के नीचे नहीं आएगा। नहीं आएगा जी। अच्छा तो किसान भाई अभी मतलब घबराने की ज्यादा जरूरत नहीं है? जरूरत नहीं है, 600 के ऊपर है जी। मंडियों में क्या बाहर डिमांड क्या? अरे बाहर डिमांड स्लो हो गई है, नए पुराने एकदम से भरमार हो गई है ना। तो अच्छा बाहर की मंडियों में नए अभी डिमांड ज्यादा है, पुराने की ज्यादा है? पुराने की ज्यादा है, अभी भी ज्यादा जी। तो अब मेरे डिस्ट्रिक्ट आप बनाते हैं गाड़ी पुराने आलू की? पुराने आधा पुराना आधा नया जा रहा है, अभी भी बराबर जा रहा है? जी जी।
अच्छा ज्यादा पसंद अभी भी पुराना कर रहा है जी। तो कोल्डो में क्या अपडेट मिली है, अभी आलू मिलता है जितना आप चाहते हो उतना या फिर कुछ पर्याप्त है? अभी पर्याप्त है, अभी 10 रोज तक पर्याप्त मिलेगा, उसके बाद खत्म। उसके बाद खत्म तो नहीं, ये बताइए, नहीं नहीं ये बताइए कि कन्नौज जिले में पुराना आलू फंसता नजर तो नहीं आ रहा? नहीं फंसेगा, नहीं फंसेगा, नहीं फंसेगा, निकल गया, खाली भी हो गया होगा, खाली हो गया, कहीं बीजा चेचक वाले हैं वो तो बिकते हैं, समय बिकते आज भी बिकेंगे, जो बीजा है जो क्वालिटी वाला आलू है, और बाकी फंसने वाला नहीं है, निकल जाएगा। अच्छा क्या लगता है कि ये आलू देख के क्या उसमें भी कुछ करंट आएगा पुराने वाले? ये आलू देख के जैसे अगर खुदाई किसान ज्यादा करेगा, पुराना चिपसौना तो 500 रुपए लगभग, और हालैंड भी वही रेंज है 450 से 500, पुराना वाला रेट चल रहा है जी जी 25-30 रुपए का कुछ बेसिक, बस बस वही अंतर है, बाकी अंतर नहीं है जी। चांसेस तो नहीं कह सकते, नया ज्यादा आ रहा, कुछ लोग नया पसंद कर रहे हैं, कुछ पुराना पसंद कर रहे हैं, डिमांड दोनों की बराबर, दोनों बराबर है। हमारे साथ कटियार साहब भी हैं, इनसे भी जानते हैं और कितना आलू आया था। कटियार साहब हर रोज कहीं ना कहीं एक दो गाड़ी इनके यहाँ आती है, बराबर कल भरपूर मात्रा में आलू इनके यहाँ भी आया था। कटियार साहब आज बताइए कुछ आलू आया? आया है, आज भी आया? आया, कम आया, कम आया। अच्छा शनिवार के देखते हुए तो थोड़ा कम आया, कल कितना आलू आ गया था? कल होगा 550 के लगभग। अच्छा कल मंडी की ज्यादातर आमद भी हुई थी? नहीं आमदनी तो कल ज्यादा हुई, ज्यादा हुई है। अच्छा करियारा अपने यहाँ कल आड़ कितना आलू बिका था? हमारे यहाँ बिका था 731 रुपए बिका था। क्या और नीचे वाला कह रहे हैं? नीचे वाला 650 रुपए। अच्छा करियार साहब आने वाला जो समय है, जो दिसंबर का महीना है, उसमें आलू की मात्रा ज्यादा बढ़ेगी, तो क्या लगता है आलू के भाव में कुछ ज्यादा ऊपर नीचे तो नहीं होने वाला? नहीं ऊपर तो नहीं होगा, नीचे होगा भाव, नीचे ऊपर थोड़ी, मतलब ज्यादा बड़ा झटका तो नहीं लगता? नहीं बहुत बड़ा झटका, अभी नहीं नहीं इतना इतनी जल्दी अभी उपलब्ध नहीं हो पाएगा आलू ना, अब खाने के लिए आलू भी तो बहुत मात्रा में चाहिए। लगता है कि कांटा 500 के नीचे तो नहीं जाएगा? नहीं 500 के तो नीचे आएगा आलू, आएगा अभी 2-4 दिसंबर वही मान के 20 दिसंबर की, 20 दिसंबर में 500 के नीचे चला जाएगा, चला जाएगा। अच्छा ये है 10 दिसंबर तक तो रेट मिलता रहेगा। हाँ हाँ, तो जिस प्रकार से आप लोगों ने देखा किसान भाइयों, आज कई लोग थे, हम लोग दिखाना चाहेंगे इस समय कि ठडिया मंडी में बैठे थे कई अनुभवी व्यापारी, कई आड़ती लोग मौजूद थे, इनसे हमने आज अपडेट ली और किस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि आलू का आने वाला समय क्या रहने वाला है, आने वाला समय किस तरीके से रहने वाला है, उसी पे आज बात की है। वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लें।